जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैं हूँ पुल के ऊपर, पीछे काजल माँ और शशांक आ रहे हैं। कनक तो मेरे पास ही है, ये जा रहे हैं स्कूल में। और आज मैं भी काफ़ी जल्दी आ गया, जल्दी तैयार होकर के, क्योंकि आज है धनतेरस। तो आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस, हम सब की तरफ से हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। और अभी मैं जा रहा हूँ दुकान पे, तो कनक बैठ गई थी मेरे साथ बाइक पे, है कनक? चले चलो, धूप अच्छी खासी आ चुकी है, बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, फिर निकलते हैं, तुम लोग स्कूल में जाओ, मैं दुकान पे जा रहा हूँ। गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी दुकान पे और आज है धनतेरस, वो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। तो आज के दिन ना झाड़ू वगैरह बिकती हैं, तो मैंने काफी झाड़ू मंगा रखी थी, जो कि मैंने बाहर रखी है, वो देख सकते हैं आप, वो वहाँ पे रखी हुई है झाड़ू। और देखते हैं किस तरह से कितनी क्या बिक्री होती है। आज इतना कोई खास माहौल तो लग नहीं रहा, और अभी टाइम भी 9:30 बज चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक खुशखबरी और देना चाहता हूँ। अब ये मुझे नहीं पता वो मेरे लिए खुशखबरी रहेगी या नहीं रहेगी, और वो ये है कि जो रवीना एग्जाम दे के आई थी रीट का, उसका रिजल्ट आ चुका है राजस्थान टीचर का, लेकिन जो साइट है वो नहीं खुल रही है। मैंने काफ़ी बार कोशिश कर ली, नहीं खुल पा रही है। मैं कंप्यूटर सेंटर वाले के पास भी गया, उसने भी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखते हैं वो कब तक खुलती है, मैं आप लोगों को रिजल्ट के बारे में बताता हूँ, क्या रहता है, क्या आया है रिजल्ट में। जैसे मार्क्स जोड़े थे जो एग्ज़ाम दे के आई थी उसका तो अच्छा था, काफ़ी नंबर जुड़े थे, लेकिन अब ये नहीं पता जो कट ऑफ लगती है वो कितने नंबर पे गई है। तो उसके लिए हमें रिजल्ट को देखना पड़ेगा, अब रिजल्ट में क्या रहता है तब भी साइट खुलती है, मैं आप लोगों को ज़रूर बताता हूँ। पूरी वीडियो ज़रूर देखें रिजल्ट देखने के लिए, शायद आज शाम तक तो हो ही जाएगा, और क्योंकि ये वीडियो शाम तक ही बनने वाली है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। कौन सी टॉफी? तो फिर आ गई आज है, के करना आई? हाँ, के करना आई? सैपर मन कहीं दे लिया भाई, आयो सही तो पहले, बाद में कुल लोड खराब कर दी। दो ले जी, जीर बाइक ले ले, दिया कर उनने। हाँ। अच्छा तो आज फिर आ गई तू, है ना? नहीं सही क्यों होगा, नहीं मेरे पापा चले गए थे घर कनक को लेकर के, लेकिन कुछ काम हो गया तो पापा दोबारा से आ गए कनक को लेकर। ये देखो देखो क्या कर रही है, क्या करेगी तू, नमकीन है ये, तेरे से नहीं खाई जाओगी, नहीं खाई जाएगी तेरे से। वो गिरा दी ना, ले वापिस रख दो मन में, नहीं खाई जाओ तो ना तेरे से, नहीं खाई जाओ। या ले ले फिर, या ले ले तो, या अच्छी, हाँ हाँ या अच्छी है, या ले ले ले, ठीक है। पापा को कुछ काम था, पापा इसको लेकर दोबारा मतलब गए नहीं थे, हमारे छोटे मुर्गे आने वाले, पता तेरे को, छोटे चूजे, उसके लिए अखबार लेके आए बहुत ज़्यादा, तो अखबार लेने लग गए और एक सामान और रहेगा तो वो लेने, तो कनक फिर आ गई वापस। चल आगे चलो, साइड चलो चल। हाँ तो इसने बहुत सारी से टॉफी ले लीजिए, मैं डाल ली, ये चाय पत्ती तेरे काम की नहीं है, ये भी चाय पत्ती है, मतलब इसको जो कुछ दिख रहा है वही, इतनी चीज़ क्या करेगी तू, रहने दे। हाँ मैं ले आऊँगा शाम में, चल शाम में मैं ले आऊँगा, चल तू अब आगे बैठेंगे, चल इसको जो दिख रहा है उसके बारे में कह रही है, ये दे दो। ये तेल है, बैठ जा यहाँ, बैठ जा बैठ जा। तो पापा वो सामने देख सकते हैं आप, बाइक के ऊपर अखबार लेकर के आए थे, मुर्गों के नीचे लगाए जाते हैं अखबार। तो गाइस हुआ ये कि अभी मैं बैठा हूँ शॉप पर ही, मैं आज घर नहीं गया क्योंकि आज
धनतेरस आपको पता ही है, तो मैंने दुकान को बंद नहीं किया यहीं पे मैं बिक्री वगैरह कर रहा हूँ, जो कुछ जितनी भी हो रही है, और यही मैं खाना खा रहा हूँ। मैंने खाना यही मंगवा लिया था, देख सकते हैं। तो सिंपल सा खाना अपना रायता है ये, आल प्याज वगैरह डाल करके, मतलब जबरदस्त लग रहा है। और एक बात और बतानी थी आप लोगों को, जो मैंने बताया था ना कि रविंद्र का रिजल्ट आ चुका है, तो वो रिजल्ट ऐसे आया है कि देख लिया मैंने, उसके नंबर पता चले हैं अभी, 123 नंबर हैं 150 में से। अभी फाइनल लिस्ट नहीं लगी है, मतलब ये हो गया कि हाँ अच्छे हैं नंबर, 123 नंबर काफी अच्छे हैं, फाइनल लिस्ट नहीं लगी है, तो समझो कि इसमें हो ही जाएगा। मतलब कि 90% चांस है सिलेक्शन होने का, और 10% है कि ना हो। तो आप लोग दुआ करो कि हो जाए। और अभी मैं खाना खा लेता हूँ, बाकी मैंने काफी सारा सामान जो मंगवा लिए, पीछे बर्फी रखी है और ये डब्बे वगैरह, और भी सामान बाहर रखा है काफी सारा। पूरी तैयारी कर रही है मेरी दीपावली की, तो देखते हैं और दीपावली पे कितनी क्या बिक्री हो पाती है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। शाम तक ये ब्लॉग चलने वाला है, तो दिखाता हूँ आपको। अभी टेंट नहीं लगाया, अभी तो बाहर टेंट भी लगाना है, तो इसकी वीडियो भी देखना। मैं लगाऊंगा और मेरे एक दोस्त आने वाला है, हम दोनों ही लगा लेंगे। इतना ही, कुछ काम तो कल कर लिया था, थोड़ा सा बाकी है वो और करेंगे, तो देखते हैं फिर आप। तो वही, मैंने और मनदीप ने हमारा टेंट जो दुकान का था वो खड़ा कर दिया है, बिल्कुल तैयार। और अब लगा रहे हैं ये, क्या है मनदीप, ये मेज, मेज के ऊपर ये पर्दा साइड में, ताकि अच्छा लगे थोड़ा। मनदीप पूरी पूरी सहायता करा रहा है मैं ना हूँ और ये है मेरा कस्टमर है, तो कि सामान उठा उठा खा रहा है ऐसे ही बिना पैसे दिए। तो अगर पूरा तैयार हो जाता है टेंट, फिर दिखाते हैं आपको आगे से कैसे, थोड़ा सा लगाना तो ऐसे आता, बाकी पूरी तैयारी कर ली है। तो ये देखो मंदिर बिल्कुल तैयारी के साथ है एकदम, हम टेंट खरीद सकते हैं, मतलब टेंट का काम कर सकते हैं। एक और मार दे, के बात और मार दे, आंगली मत फोड़ दी मेरी, बस बस बस। तो ये हम लगा रहे टेंट धीरे धीरे, दुकान का फिल्म भी चोरी दिखाई दी, सारे शटर खोल दिए आज दुकान के। टेंट हमें खुद लेके आए थे और खुद ही लगाना पड़ रहा है, क्योंकि टेंट वालों के पास नहीं इतना टाइम रहता नहीं। मिठाई वगैरह भी आ चुकी है, कल इसके ऊपर लगा देंगे मिठाइयाँ। तो हमारा टेंट लग चुका है, थोड़ी सी कमी है बस, ऊपर इसके वो लगानी है कुछ भी, चादर वगैरह जो भी है, बिल्कुल रेडी है काम। थोड़ा अंधेरा हो गया तो देख सकते हैं आप। तो काफी सही लग रहा है, ये ऊपर से टेंट दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो दुकान भी काफी अच्छी लग रही है, सामान समूह एकदम फिट करके देख सकते हैं आप, काफी सारा सामान आ गया है। आयो एक मिनट तो रुक। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं घर पे, और अभी अभी मैंने देखा आते ही तो घर वालों ने लगा दी है लाइट वगैरह घर के, और एक कलर देखो कैसे खींच रही है मेरे को। हाँ तो चल रहा हूँ, रुक लाइट तो दिखा दू, अंदर की दिखाऊं पहले। चलो चलो, तो अंदर की लाइट दिखाते हैं, अंदर कमरे के अंदर लगा रखी है, अंधेरा है थोड़ा सा, साफ नहीं दिखाई देंगे। कहाँ लगा रखी लाइट, तो बंद है। तो ये देखो ये लाइट लगा रखी है कमरे के अंदर, काफी अच्छी लग रही है। हैं? चुक चुक गाड़ी, उठ जा। अभी बाहर की ओर दिखाता हूँ, काफी अच्छी लग रही है। तो ये देखिए घर के चारों तरफ लगा रखी है ऐसे। हैं? अभी मैंने कपड़े भी नहीं निकाले थे आते ही। ये देखो साइड में भी है। हाँ। साइड से भी दिखाता हूँ, कम ही लगाई वैसे, इतनी ज्यादा नहीं है, खत्म हो गई। ये पिछले साल की है, नई खरीद के नहीं लाए।
तो अभी सबसे पहले मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ अपने, वो करने ज्यादा जरूरी है। तो चलते, रात के पूरे 10:30 बज चुके हैं और आज घर में कोई भी नहीं सोया, देखो सब घूम रहे ऐसे ही काम करते हुए। और लेकिन अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी और आज के ब्लॉग को बस यही तक रखते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दें, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।